मेरा नाम दीपक कुमार भाटिया। भाटिया जब बात करें इस फिल्म के बारे में, फिल्म का टाइटल क्या है और आपके किरदार की अगर बात करें। मैं तो ऑब्वियसली इस फिल्म में भी विलेन हूँ और इस फिल्म का टाइटल है दिलदार सजना। दिलदार सजना ऐसा है जैसे एक्शन रोमांटिक फिल्म है ये दिलदार सजना, और कलवा की फिल्म है और इसके प्रोड्यूसर हैं ओम एंटरटेनमेंट, डायरेक्टर हैं हमारे राधे जी, राधेंद्र यादव जी। मेरी बेस्ट विशेज हैं उनके साथ, और मैं उनके साथ इससे पहले भी दो से तीन फिल्म कर चुका हूं। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं ओम एंटरटेनमेंट, ये लोग फर्स्ट टाइम ये भोजपुरी मूवी बना रहे हैं और एक अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया है कलवा और दो तीन अच्छे आर्टिस्टों को लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। भोजपुरी में ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो एक सोशल मैसेज के साथ ख़त्म होती है। आपके किरदार की बात करें, बिल्कुल नेगेटिव दिखाया गया है, जैसे कान अंबानी है। नहीं, एक्चुअली ये अभी फिल्म हमारी शूट नहीं हुई है, ये जस्ट एक मुहूर्त के लिए एक पोस्टर बनाया है। ये मेरी पुरानी फिल्म भाई जी का वो है, फोटो है, और इनको मुहूर्त करना था तो इनको फोटो चाहिए थी, इसलिए मैंने ये पिक्चर दिया। बट इसका जब फोटो शूट होगा, इसमें मैं एक हीरोइन का बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हीरोइन है जो पहले तो मैं विलेन हूँ लेकिन लास्ट में मैं पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाता हूँ। अच्छा, एक इमोशनल बाप है जो लास्ट में हीरो के साथ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपको विलेन के रोल ज़्यादा ऐसे मिलते हैं? नहीं, मैं विलेन ही करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट क्यों ऐसा नहीं है, मैंने जो मेरा कैरियर की शुरुआत हुई थी, मैंने कॉमेडी के साथ हुई थी। और फर्स्ट टाइम मैं जब स्टेज पर आया था तो मैंने एक लड़की के किरदार के रूप में आया था। फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पर मैंने एंट्री की थी, तो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है। बट ये है कि मैं हर तरह की भूमिका कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव। अभी मैं हिंदी मूवीज कर रहा हूँ, हिंदी में मैं पॉजिटिव कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। आने वाले और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं? आने वाले अभी मैंने दो दिन पहले ही एक फिल्म साइन की है, एक और क्रांति, जिसमें विराज भट्ट है। उसमें सुपर हीरो और सुपर विलेन की कहानी है, जिसमें मैं सुपर विलेन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं इस फिल्म में मैं कलुआ के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और मेरी बेस्ट विशेज हैं उस लड़के के साथ। यंग लड़का है, अच्छा एक्टर है, मैंने उसकी एक दो फिल्म देखी हैं और मैं तो काफ़ी फिल्म कर चुका हूँ, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम उस बच्चे के साथ कर रहे हैं, देखें आगे क्या होता है। कैसी केमिस्ट्री है अगर बात करें, गाने वाने आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कलवा की अगर बात करें? कलवा अच्छा है, हाइट अच्छी है, दिखने में अच्छा है, और फ्यूचर उसका ब्राइट है बच्चे का। और भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो लड़का आगे स्टार बने, बहुत बड़ा स्टार बने, ताकि इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिले, अच्छा स्टार मिले। बात करें आज फिल्म के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, गाने की रिकॉर्डिंग है, क्या टाइटल है फिल्म का और क्या गाना? सबसे पहले आप सभी भोजपुरी श्रोतागण दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, और ये मेरी फिल्म दिलदार सजना जो आज मुहूर्त हुई है, और ये एक लव स्टोरी है और इसमें सब कुछ है, एक्शन से लेकर कॉमेडी से लेकर सब कुछ है। और जब हम हैं और छोटे बाबा हैं तो गाने का क्या बोलना, सभी गाने एक से एक बढ़ के सब गाने अच्छे हैं। सबसे पहले तो हम सिंगर ही हैं, सिंगर के बाद हम जो भी एक्टर हैं, तो पहले मेरा यही कहना है कि हम पहले गायक हैं, इसके बाद हीरो हैं। तो हर फिल्म में मेरा ये रहता है कि हम अपने पूरे गाने को हम अपना आवाज़ दें, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ अपने गायकी की वजह से हूँ, तो इसको हम नहीं छोड़ना चाहते। एक्टिंग की बात करें, अभी तक कितनी फिल्में आप दे चुके हैं? अभी तक तो मेरी 10 से 11 मूवी आ गई है, लेकिन ऐसे सोलो हीरो देखा जाए तो 3-4 मूवी आई है। कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा, बहुत प्यार सहयोग मिला। अभी इसी साल मेरी दो फिल्में रिलीज हुई, हुकूमत और एक दिल भैल दीवाना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक का। एक्टिंग में सिंगिंग में कितना डिफरेंस मानते हैं आप? अभी तक देखिए, जहाँ से लेके मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी रहुआ और हमारे पवन सिंह जी, सब लोग गायक से हीरो बने हैं। मेरा भी एक ये सपना था कि हम भी हीरो बने गायक के साथ साथ, और आज वो सपना साकार हो गया। थोड़ी बहुत गायकी तो आ जाती है, लेकिन एक्टिंग अभी भी सीख रहा हूँ, जितने सीखने का मौका मिलता है सब सीखते हैं, और जितना हमको आता है सब करते हैं। बस आप लोग के हाथ में है कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद दुलार मिले। हम नॉर्थ से हैं और मुंबई में काफ़ी, बॉलीवुड में काफ़ी है नॉर्थ इंडस्ट्री के, हर कोई अपना सपना लेके आता है, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या छोटा बड़ा कलाकार हो,
कल्लू क्या सपना लेकर आए थे बॉलीवुड में जब एंट्री की आपने, पहली बार जब मुंबई में एंट्री हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? हम पहले भी बताएं कि मेरा यही सपना था कि हम भी हीरो बने और आज वो साकार हुआ है तो आप लोग के आशीर्वाद से। और बस हम यही कहना चाहेंगे जितना आप लोगों ने गायकी में आशीर्वाद प्यार दिया, मैं ऐसा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म दिलदार सरना को भी आप लोग बेहद पसंद करेंगे। स्टोरी की बात करें, क्या स्टोरी है टिकट करने जी, स्टोरी की अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे, कितना किरदार है आपके साथ? कॉलेज बॉय हूँ और बहुत ही अच्छा स्टोरी है। स्टोरी सुन के मैंने ये फिल्म साइन किया था और हमारे अपोजिट निशा दुबे जी हैं और हम लोग एल्बम में साथ काम किए और फिल्म में भी बहुत सारे काम किए, तो इनके प्यार में मैं पागल रहता हूँ, लेकिन ये नहीं मानती है। लेकिन कितना भी प्यार करते, ये एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो मान जाती है। फिर ऐसा कुछ है, कहानी अभी आप पूरा बता देंगे तो आप लोग फिल्म देखिए, आप लोगों को सब मालूम चलेगा। और दीपक भाटिया जी हैं, पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं तो बहुत नाम सुना है, आज उनके साथ काम भी करेंगे, अच्छा लगेगा। आपके हर गाने की रिकॉर्डिंग में, शूटिंग में आपके पापा एक सार्थक की तरह रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, साई की तरह हमेशा? शुरू से ही उन्हीं के, मतलब मेरे पापा जी गांव में नाटक करते थे तो उन्हीं को देख के मैंने आज जो भी कुछ हूँ, उन्हीं से गायकी सीखा, उन्हीं से एक्टिंग भी सीखा, गांव के मंच पे भी उन्हीं के साथ मैं एक्टिंग करता था और आज जो भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। आज कलुआ दिख रहा है तो उन्हीं के आशीर्वाद से, इसके बाद आप लोगों का प्यार है। तो हर किसी का सपना होता है कि एक इच्छा होती है, आपकी कोई ऐसी तमन्ना है कि बड़े स्टार के साथ, शाहरुख सलमान या कोई ऐसा? मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान। क्यों? अच्छा लगते हैं, बॉडी, पर्सनालिटी, एक्शन, सब कुछ उनका अच्छा लगता है। अपना आइडियल किसको मानते हैं आप, जिसको देखकर आप अपने चलने का रंग ढंग बदलना, कपड़े पहनना, स्टाइल मारना, किसको आइडियल मानते हैं आप? ऐसे गायकी के गुरु मैं पवन सिंह जी को मानता हूँ, उन्हीं का सीडी सुन के मैं आज जो भी हूँ, हल्का फुल्का सीखा हूँ, पवन सिंह जी हमारे गुरु हैं। एक्टिंग में ऐसा कोई नहीं है, गायकी में अभी तक गुरु माना पवन सिंह जी को। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी नए प्रोजेक्ट दिलदार सजना के लिए आज मुहूर्त किया गया है, गाने से, कल्लू जी के गाने से मुहूर्त हुआ है। तो ये सितंबर में शूट होने वाली है फिल्म। बात करें कल्लू जी के साथ कैसी केमिस्ट्री, काफी टाइम से जुड़े हैं आप उनके साथ बात कर रहे थे कल्लू जी के साथ, आपकी कैसी केमिस्ट्री, 6-7 साल से आप जुड़े हैं और अब एक्ट भी साथ में कर रहे हैं, आप एक्टिंग में आ रहे हैं, सिंगिंग से क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग यहाँ मिले हैं दिलदार सजना के मुहूर्त के लिए, ये फिल्म जून में शूट होने वाली है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम सोम इंटरप्राइजेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं एंड आई होप कि आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे 1, 2, 4, 5। किस तरह की मूवी है ये अगर बात करें? जैसे कि भोजपुरी में फिल्में बनती है, थोड़ी एक्शन, थोड़ी मसाला, उसके बाद थोड़ा रोमांस, सब कुछ मिक्सअप है ये। कैसी केमिस्ट्री है इस गाने में, कुछ मिलके अपने आप क्यों गाने गाए हैं इसमें, सब हाँ, जी, क्या कहना चाहेंगे? कैरियर की शुरुआत भी आपने कर ली, आपने साथ में काफ़ी सारा काम किया। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें गाने भी अच्छे अच्छे हैं, थोड़े छेड़छाड़ वाले गाने भी हैं, थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, तो सारे गाने कुल मिला के बहुत अच्छे हैं। सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ झुकाव क्या कहना चाहेंगे? सिंगिंग तो बेस है, लेकिन साथ साथ एक्टिंग करने का भी पैशन अंदर से शुरू से था, तो मौका मिलते गया काम करते गए। कौन सा गाना है जिसने आपकी पहचान बनाई इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में पहचान, वैसे कल्लू जी के गाने पे मैंने मॉडलिंग करा था, उनके काफ़ी हिट्स गाने मैंने किए हैं, जैसे लगाए दिए चोलिया के हुक राजा जी, सकेत होता, चुभुर चुभुर, सारे गानों में मैंने ही मॉडलिंग किया है और उनके गानों के थ्रू ही मेरी पहचान बनी है। एक गाना, हाँ, अभी जो हम लोग की कैसेट रिलीज हुई है ऑनलाइन रैली, उसमें का गाना मैं सुनाती हूँ। कि चलता पढ़ाई सैया गबना जन कराई जी, अमिले के मन बाता इस कुले पाई जी, आए गो खाली बावे सखी के पलानी, काट ले हब चानी राजा जी, जतना करके बकल मन मानी, काट ले हब चानी सैया जी। चलिए, थैंक यू।